तो चलिए दोस्तों, लेके आ गए हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मैजिक मोमेंट ऑरेंज फ्लेवर वोडका का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस के सभी लिंक के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की बात। तो मैजिक मोमेंट जो है वो रेडिको खेतान ग्रुप की तरफ से आती है, जिसको पहले रामपुर डिस्लेरी के नाम से भी जाना जाता था। और रामपुर डिस्लेरी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1943 में, और जो मैजिक मोमेंट है वो लॉन्च हुई थी 2005 में। और 2005 में लॉन्च होने के बाद से इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, तो रेडिको खेतान ग्रुप ने इसके 6 नए फ्लेवर लॉन्च कर दिए, और अब तो मार्केट में इसके 8 नए फ्लेवर आते हैं। और उनमें से कुछ वाटरमेलन फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, ग्रीन एप्पल जो बहुत ही फेमस है, एक ये ऑरेंज है, और एक इसमें जिंजर फ्लेवर आता है, और भी इसमें फ्लेवर आते हैं। और जो रेडिको खेतान ग्रुप है वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लिकर ग्रुप है, जिससे हमें बहुत सारी फेमस लिकर मिल जाती हैं, जिनके नाम है 8 PM विस्की और वाइट हॉल विस्की, मॉर्फिस ब्रांडी, और आपका 1965 रम और कंटेसा XXX रम, और भी बहुत सारे ब्रांड और लिकर्स इनकी तरफ से आते हैं। जिनमें से आप अगर अच्छी लिकर की बात करेंगे, ये तो नॉर्मल कैटेगरी की थी, और अच्छी लिकर की बात करेंगे तो रामपुर सेलेक्ट जो सिंगल मॉल्ट है वो भी इनकी तरफ से हमें मिलता है। और इसने 2011 में इंटरनेशनल स्पिरिट चैलेंज में एक इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता हुआ है, और ये ट्रिपल डिस्टिल्ड वोड का है। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस दिल्ली में है 540 रुपीज़, और बात करें इसके ABV की, तो इसका ABV है जस्ट 37.5%। तो जिनको लेस अल्कोहल वाला वोडका चाहिए तो उनके लिए बेस्ट है। तो चलिए अब करते हैं नोजिंग। तो चलिए दोस्तों, फिर कर लेते हैं इसकी नोजिंग। बहुत ही पक्का बंद है ये, खोल गया। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत तरह तरह के गिलास रखे हैं, तो वोडका जो है वो शॉट्स में भी सर्व किया जाता है और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासेस में भी। ऑरेंज की बहुत अच्छी फ्लेवर आ रहा है मुझे, ऑरेंज की बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें से। टोटली ऑरेंज का ही अरोमा है पूरा। अगर मैं इसको यहाँ पे भी रखता हूँ तो भी मुझे इतना इसमें मतलब फ्लेवर है ऑरेंज कि मेरे पूरा मुझे महक आ रही है यहाँ तक, और थोड़ा सा इसमें स्पिरिट का महक आ रहा है, नेचुरल स्पिरिट जो इसमें मिलाई गई होगी उसका मुझे महक आ रहा है, और ऑरेंज का और कुछ नहीं आ रहा है इसमें से। तो चलिए इसकी कर लेते हैं टेस्टिंग। जो ऑरेंज का पूरा फ्लेवर है वो पूरे मुंह में मेरे ऑरेंज का फ्लेवर आ गया। बहुत ही सॉफ्ट तो नहीं कहूँगा ऐसे में, थोड़ी सी हार्शनेस है इसमें जो गले से नीचे उतरने में फील हो रही है। बाकी टोटल नेचुरल स्पिरिट का इसमें जो अरोमा है वो बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि आप एक स्पिरिट ले रहे हैं, आपको ये नहीं लग रहा कि आप एक अल्कोहल या बहुत अच्छा फ्लेवर्ड वोडका पी रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप नेचुरल स्पिरिट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि फ्लेवर की क्वांटिटी ज़्यादा है। टोटली ऑरेंज ही ऑरेंज लग रहा है मुझे, और कुछ भी नहीं। तो चलिए पानी के साथ इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। पानी के साथ ये मुझे बिल्कुल न्यूट्रल लग रहा है, बहुत ही हल्का सा इसका बस ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो मुझे आ रहा है,
बाकी बिल्कुल ही न्यूट्रल है। तो चलिए कर लेते हैं अपना फाइनल ऑन द रॉक्स टेस्ट और फिर करेंगे इसका एक, आज हम एडिशनल एक टेस्ट भी करने वाले हैं, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर कर लेते हैं इसका ऑन द रॉक्स टेस्ट और उसके लिए हम लेंगे बैग मेजर, उसमें डालेंगे 60 ml अपना हमेशा की तरह वोडका, इसको करेंगे बंद। इसमें इसको लेंगे हम, डालेंगे गिलास में और इसमें डालेंगे 3 cubes ऑफ आइस हमेशा की तरह, और इसको करेंगे थोड़ा सा शेक ताकि थोड़ी आइस मेल्ट हो जाए। और जब तक ये मेल्ट हो रही है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं नीट पीने के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप नीट, चाहे वो वोडका हो, चाहे वो विस्की हो या कुछ भी हो, उसे नीट ना पिएं। कोई भी अल्कोहल हो उसे नीट ना लें। और अगर हमारा वीडियो देखते हैं और यहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो विस्की लवर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए अब कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। ऑरेंज फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ी सी हार्शनेस है, गले में लग रहा है, स्पाइसीनेस तो इसमें हो ही नहीं सकती। वार्मनेस इतनी फील नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा इसमें हार्शनेस है जो गले में फील हो रही है। बाकी पूरा जो अरोमा है वो पूरा ऑरेंज फ्लेवर का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है पीने में। अगर आप इसको ऑन द रॉक्स लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह में तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर अब करते हैं इसका अपना फाइनल, जो हमने आज न्यू टेस्ट करना है वोडका ऑरेंज फ्लेवर के साथ। आपको बताएंगे कि आप अगर ऑरेंज फ्लेवर को उसके साथ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर कर लेते हैं अपना स्पेशल टेस्ट और वो है वोडका ऑरेंज विद मिरिंडा या फिर फेंटा। तो जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वोडका पीना या विस्की लेना कोल्ड ड्रिंक के साथ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें उनका स्वाद नहीं अच्छा लगता, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप ऑरेंज फ्लेवर वोडका ले रहे हैं और उसको मिरिंडा के साथ या फेंटा के साथ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई अल्कोहल लिया है। तो चलिए इसके लिए कर लेते हैं हम अपना टेस्ट। तो इसके लिए हम फिर से ले लेते हैं 60 ml ऑफ वोडका। और इसको डाल लेंगे हम अपने गिलास में और इसके लिए आप ये देखेंगे जो आपका गिलास हो वो भी थोड़ा सा चिल्ड होना चाहिए और इसमें डाल लीजिए 1 or 2 small ice। मैं एक और स्मॉल डाल लेता हूँ, 2, और इसमें हम मिला लेंगे अपनी कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक मिलाने से बेनिफिट ये होगा कि जो इसका फ्लेवर है वो तो ऑरेंज है ही और इसका फ्लेवर भी ऑरेंज है, तो इसका अगर किसी को फ्लेवर में कड़वाहट लगता है या कुछ भी तो वो भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। कोल्ड ड्रिंक मिलाने के बाद ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि आप इसको एक सिप में भी पी सकते हैं, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई भी अल्कोहल है। देखिए आधे से ज़्यादा मैंने एक बार में पी लिया,
बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ कि इसमें अल्कोहल है, और क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर, इसका फ्लेवर जो है इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस भी है, तो वो स्वीटनेस जो है इसकी कड़वाहट को बिल्कुल ही कम कर देती है। देखिए आप, ओवर बिल्कुल एंड पे आ गया ये, और मेरी 100% रिकमेंडेशन है कि अगर आप वोडका ले रहे हैं तो, अगर आप ग्रीन एप्पल लेते हैं तो लोग उसे स्प्राइट के साथ पीते हैं, अगर आप ऑरेंज लेते हैं तो लोग उसे मिरिंडा के साथ पीते हैं, और अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो लोग उसे रियल जूस के साथ भी पीते हैं। इसे आप रियल जूस, ऑरेंज जूस के साथ भी पी सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई अल्कोहल ली है। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, वेरी इजी फॉर एनीवन टू ड्रिंक वोडका इन मिरिंडा। तो चलिए दोस्तों, इसी टेस्ट के साथ फिर ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इसको, इसका फ्लेवर इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन द रॉक्स लें, और अगर आप इसका फ्लेवर नहीं इन्जॉय करना चाहते या इसका कड़वाहट नहीं इन्जॉय करना चाहते, या आप इसकी कड़वाहट आपको उसको पसंद नहीं है इस अल्कोहल की, तो आप इसको मिरिंडा या फेंटा के साथ ले सकते हैं। जो आपको बेस्ट जो है आपका, वो मिरिंडा और अल्कोहल के साथ ही लगेगा, जिसमें आपको इसका ऑरेंज फ्लेवर तो वैसे भी आ जाएगा और इसकी कड़वाहट भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो को अपना ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चीयर्स।